नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोहित यादव ग्रुप पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेसल इंडिया लिमिटेड के निवेशकों के लिए सेबी की तरफ से आई एक नई अपडेट के बारे में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिनों पहले तक सेबी की तरफ से पेसल के निवेशकों को 15,000 रुपये तक का रिफंड लुटाया जा रहा था। तो उनमें से ऐसे बहुत से निवेशक हैं जिनके फार्म में किसी प्रकार की कोई कमी थी या कोई गलती थी या फिर उनका बैंक अकाउंट बंद हो गया है या चेंज हो गया है, तो उनको अभी तक उनका कोई रिफंड नहीं मिला। क्योंकि बहुत से निवेशक बोल रहे थे कि सर मेरा आवेदन करते समय पीएसएल का प्रमाण पत्र गलत अपलोड हो गया है, मेरा बैंक का अकाउंट नंबर चेंज हो गया, मेरा बैंक का आईएफएससी कोड चेंज हो गया है, इस प्रकार का स्टेटस हमें देखने को मिल रहा है, जिनका अमाउंट 10,001 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक था। तो उन निवेशकों के लिए सेबी की तरफ से अपनी गलती को ठीक करने या जाँच करने के लिए कल की तारीख में एक अपडेट जारी की गई है। और यह अपडेट किस तारीख से किस तारीख तक जारी रहेगी, इन सभी की जानकारी हम आपको आज की हमारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप आज की हमारी वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि जिन निवेशकों के फार्म में किसी प्रकार की कोई कमी थी या गलती थी तो अपनी गलती को ठीक करके पीएसएल का रिफंड दोबारा प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, समय ज़्यादा न लेते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सेबी की तरफ से जारी सार्वजनिक सूचना के बारे में, जो कि कल की तारीख 31 अक्टूबर 2022 को जारी की गई है, जिसमें लिखा हुआ है पीएसएल लिमिटेड के निवेशकों के लिए दावा आवेदन की स्थिति, कमी की जांच करने और उन कमियों को दूर करने की सुविधा। और यह अपडेट इंग्लिश भाषा में जारी की गई है, जिसको हम आपको हिंदी में करके बताने वाले हैं। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहले पॉइंट में लिखा हुआ है न्यायमूर्ति आर एम लोधा समिति ने, जो कि पीएसएल लिमिटेड के मामले पर कार्य कर रही है, ने आज की तारीख तक उन पीएसएल निवेशकों को उनका रिफंड सफलतापूर्वक वापस कर दिया है जिनका रिफंड अमाउंट 15,000 रुपये तक है। हालांकि जिन निवेशकों का अमाउंट 15,000 रुपये से अधिक है तो उनके लिए ना तो कोई अपडेट जारी की गई है और ना ही उनको उनका रिफंड वापस किया गया है। सेकंड नंबर पर समिति ने बताया कि इससे पहले हमने 15 जनवरी 2020 को एक प्रेस नोट जारी किया था उन निवेशकों के लिए जिनका रिफंड अमाउंट 5,000 रुपये से कम है और जिनके फार्म में किसी प्रकार की कोई कमी थी या किसी प्रकार की कोई गलती थी। तो ऐसे निवेशक www.sebipslrefund.co.in पर जाकर अपनी गलती को ठीक कर सकते हैं और अपना रिफंड वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो उन निवेशकों के लिए हमने इस साइट को ओपन किया था। इसके बाद समिति ने दूसरी बार 21 जुलाई 2020 को एक नोटिस जारी किया था उन निवेशकों के लिए जिनका रिफंड अमाउंट 5,001 से लेकर 7,000 रुपये तक के बीच में था और जिनके फार्म में किसी प्रकार की कोई गलती थी। इसके बाद समिति ने 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक उन निवेशकों के लिए इस साइट को ओपन किया था जिनका रिफंड अमाउंट 10,000 रुपये से कम था और उनके फार्म में किसी प्रकार की कोई गलती थी, तो वो सेबी की साइट पर जाकर अपने आवेदन को ठीक करें और अपना रिफंड वापस प्राप्त करें। तो इस प्रकार से सेबी तीन बार पीएसएल के निवेशकों को मौका दे चुकी है अपनी गलती को ठीक करके अपना रिफंड वापस पाने के लिए। और अब अगले पॉइंट में बताया गया है कि कमेटी ने फिर से इस साइट को ओपन कर दिया है 1 नवंबर 2022 से उन पीएसएल निवेशकों के लिए जिनका रिफंड अमाउंट 15,000 रुपये से कम है और जिनके फार्म में आवेदन करते समय किसी प्रकार की कोई गलती रह गई थी या फिर बैंक अकाउंट चेंज हो गया है या फिर बैंक का आईएफएससी कोड बदल गया है। तो अब वो पीएसएल निवेशक दोबारा से www.sebipslrefund.co.in पर जाकर अपनी गलती को ठीक करके अपना पीएसएल का रिफंड सफलतापूर्वक वापस पा सकते हैं। और यह गलती सुधारने और आवेदन को ठीक करने की सुविधा आपको मिली है 1 नवंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक, यानी आज की तारीख से पूरे 90 दिन तक आप अपने पीएसएल रिफंड का स्टेटस चेक करें और उसमें किसी प्रकार की कोई गलती है तो उसको सुधार करके आप अपना रिफंड वापस प्राप्त करें। यानी इस नोटिस में कहने का मतलब है कि सेबी कमेटी ने कल की तारीख में एक नोटिस जारी किया है पीएसएल निवेशकों के लिए जिनका रिफंड अमाउंट 15,000 रुपये से कम है और उनके फार्म में किसी प्रकार की कोई गलती है या कोई कमी है,
तो वो निवेशक 1 नवंबर 2022 यानी आज की तारीख से आने वाली 31 जनवरी 2023 तक अपने आवेदन को दोबारा चेक करें और उसमें किसी प्रकार की कोई गलती है या कमी है तो उस गलती को ठीक करके अपना पीएसएल का रिफंड प्राप्त करें। हालांकि इसमें यह नहीं बताया गया कि उन पीएसएल निवेशकों को अपनी गलती ठीक करके अपना पीएसएल सर्टिफिकेट पोस्ट करना है या नहीं। यदि ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है तो इसका मतलब है कि आप अपने आवेदन को ठीक करें और अपना रिफंड सफलतापूर्वक वापस प्राप्त करें। और यह नोटिस जारी किया गया है नोडल अधिकारी सह सचिव न्याय सेवानिवृत्त आर एम लोधा समिति जो कि पीएसएल लिमिटेड के मामले पर कार्रवाई कर रही है। तो दोस्तों यही थी जानकारी आज की वीडियो में। जानकारी आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है तो वीडियो को कर दे लाइक और शेयर। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।